बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, अफ़ज़ाल अरशद आपके साथ कुन फूड्स पे हाज़िर हूँ। आज मैं आपको चांपों की रेसिपी बताऊँगा। बकरे की चांपें हम बनाने वाले हैं और चांपों को बनाने के मुख्तलिफ तरीके हैं। आप भी बनाते होंगे किसी तरीके से। आप इनको तंदूर में बना सकते हैं, अवन में बना सकते हैं, या फिर आप इनका सालन बना सकते हैं, तवे पे बना सकते हैं। डिफरेंट तरीके से बनाई जाती हैं, मसाले के साथ बनाई जाती हैं। लेकिन ये जो रेसिपी है, ये जिस तरह आप फ्राइड चिकन खाते हैं ना, उस तरह आप ये फ्राइड चांपें खा सकेंगे। लेकिन जब चिकन हम बनाते हैं ना, चिकन को डायरेक्टली फ्राई करें वो गल जाता है, लेकिन मटन के साथ ये सीन नहीं है। आप इसको डायरेक्टली फ्राई करेंगे ये अकड़ जाएगा, इसलिए इसका प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ पर मैंने टोटल 3 किलो चांपें ली हैं। एक और चीज़ मैं आप इधर दिखाता हूँ आपको, अब ये देखें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपकी वीडियोस में ऐसा नज़र आता है कि जैसे आपने गोश्त को धोया नहीं है। ये गोश्त है जिसको मैंने नहीं धोया, ये गोश्त है जिसको मैंने धोया है। अब मैं फ़र्क आपको इधर बताता हूँ, कलर में आप मेजर डिफरेंस देख सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं गोश्त इस तरह वाइट होना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपको दिखाने के लिए आपको मैं दो चीज़ें दिखा रहा हूँ। अब इसमें जो ख़ास चीज़ जानने वाली है वो ये है कि जब आप गोश्त को धोते हैं तो इसकी मोस्टली इसका फ्लेवर और ग़िज़ाइत निकल जाती है। और बहुत सारे लोग कहते हैं इसमें ब्लड होता है, ब्लड निकलता है। ब्लड गोश्त में नहीं होता। जब हम गोश्त को ज़िबा करते हैं उस टाइम सारा ब्लड उसका निकल जाता है जिसम में से, क्योंकि खून जो है वो रगों में बहता है, वो गोश्त में नहीं होता। रगों से आगे बिल्कुल छोटी छोटी बारीक वेन्स होती हैं जिनसे इस इनके अंदर जो गोश्त के अंदर वो फैली हुई होती हैं। लेकिन जब हम जानवर को ज़िबा करते हैं तो रगों में से सारा जो ब्लड है, खून है, वो निकल जाता है और गोश्त के अंदर खून नहीं होता। आप इसको बिल्कुल फ्रेश काट के धोए बगैर पका सकते हैं और सही जायका भी गोश्त का आपको तभी आएगा। और जो ये रेडनेस आपको नज़र आती है, या जो नीचे पानी, गोश्त रखें तो नीचे पानी आता है, तो वो असल में खून नहीं होता, वो पानी होता है, उसको मायोग्लोबिन बोलते हैं। कभी भी आप पेशावर साइड पर जाएँ जहाँ पर मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा गोश्त खाया जाता है, दुम्बा हो या बीफ हो, तो वो कभी भी नहीं धोते हैं गोश्त को। गोश्त होने से उसकी गजाइत और उसका जो फ्लेवर है वो ख़त्म हो जाता है। और ये जो चांपे हैं इनको पकाने के लिए पहले बॉईल करना ज़रूरी है। तो बॉईल करने के लिए मैं इनको एक प्रेशर कुकर में डाल रहा हूँ। तो ये चांपे इस प्रेशर कुकर में हम डाल देंगे। तकरीबन 1.5 पोथी लहसुन की लेके आपने उसको बारीक या तो क्रश कर लें, या इस तरह तकरीबन 3 टेबलस्पून आपके पास ये पेस्ट ही होनी चाहिए लहसुन की, ये डालेंगे। इस लहसुन के बाद इसमें नमक जाएगा। 3 किलो गोश्त है, 3 टीस्पून नमक डालें। ये नमक काफ़ी हो जाएगा क्योंकि गोश्त जो है ना, वो पहले भी थोड़ा सा उसका फ्लेवर अपना नमकीन फ्लेवर होता है। अब इसको गलाने के लिए इसमें कुछ पानी भी डालना पड़ेगा। वैसे तो ये गोश्त अपना पानी भी छोड़ देगा, लेकिन साथ में तकरीबन 2-1 कप आप पानी लाजमी इसमें डालें ताकि स्टीम बनने में आसानी हो, और बाद में गोश्त अपना पानी छोड़ देगा। क्योंकि इसमें हमें वो नहीं चाहिए कि यखनी हमने नहीं बनानी, पानी इसके अंदर हमें बिल्कुल मिनिमम चाहिए। और इसमें आप थोड़ी सी हल्दी भी डाल लें। अब इसको मैं ऊपर रखूँगा चूल्हे पे ताकि थोड़ा सा ये पानी गर्म हो जाए, उसके बाद फिर इसको प्रेशर लगाएंगे। ये पानी उबलना शुरू हो गया है, अच्छी तरह गर्म हो गया है, तो इस पॉइंट पे हम ये ढक्कन लगा देंगे। अब ये गोश्त पे डिपेंड करता है कि आप प्रेशर कुकर में कितना टाइम लगा रहे हैं। अगर थोड़ा सा बड़ा जानवर था थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। इलाके पे भी डिपेंड करता है कि आप सी लेवल से कितने ऊपर हैं, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। मेरा जो गोश्त है ये तकरीबन 12-1 मिनट में आराम से गल जाएगा, क्योंकि चांपे हैं पहले भी गोश्त नरम होता है। तो 12 मिनट के लिए इसको इधर वेट लगाते हैं। इन चांपों को इधर मैंने कुछ 14-15 मिनट दिए प्रेशर कुकर में। पहले एक दफ़ा इसको गर्म किया, जब इसके अंदर से स्टीम निकलना शुरू हुई, मतलब सीटी चलना शुरू हुई है, उसके बाद 14-15 मिनट दिए हैं मैंने। इसको खोल के चेक करते हैं कि डन हो गई हैं या नहीं हुई। ये देखें, हड्डी अंदर से निकल रही है और गोश्त भी जो है वो बिल्कुल नरम हो गया। तो बिल्कुल ये डन है। इनको बहुत ज़्यादा आप पकाएँगे तो ये बिल्कुल नरम हो जाएंगी और सही तरह से फिर फ्राई नहीं हो सकेंगी। अब एक काम जो करना है ना, ये इसके अंदर ये स्टॉक है इसका, जो पानी है, यखनी है इसके अंदर, इसको सुखाना है हमने। चूल्हा जलाएं और इसी तरह इस चूल्हे के ऊपर ही इसको आप 4-5 मिनट के लिए चलाएंगे, ये पानी सूख जाएगा और सारा फ्लेवर इसके अंदर ही रहेगा। इसमें आप एक और काम भी कर सकते हैं, ये पानी आप ना सुखाएं, चांपे अलग कर लें और यखनी अलग कर लें। बिल्कुल हेल्दी ब्रॉथ है जो इस मटन की हड्डियों में से निकला हुआ है, तो उसको हम सर्विंग के लिए साथ में एक यखनी बनाएंगे जो कि इन चॉप्स के साथ जाएगी। तो इसमें से मैं सिर्फ चांपे अलग कर रहा हूँ। अगर आप सुखाना चाहें तो इसके अंदर ही सुखा सकते हैं, और अगर आप निकालेंगे तो इसके अंदर हम थोड़ा सा और पानी डालेंगे और ये इस तरह बेहतरीन एक मटन की यखनी बन जाएगी। ये देखें, ये मैं कहता हूँ कि ये गोल्ड है, बहुत हेल्दी है, ये कोई ऑयल नहीं है इसमें, बिल्कुल बेहतरीन सॉल्ट के साथ, बहुत आला फ्लेवर, बहुत कमाल फ्लेवर। अब इसमें आपने ये काम करना है कि पहले आप नमक चेक करें इसमें कि नमक कितना है।
काफ़ी ज़्यादा तेज़ नमक है, तो उसी हिसाब से आपने पानी पूरा कर लेना है कि नमक पूरा हो जाए। तो इसीलिए हम सिर्फ पानी शामिल करेंगे इसमें। इसमें जब आप पानी डाल लें, थोड़ी देर के लिए आप इसको पकाएं, सिर्फ गर्म हो जाए, सुखाने की ज़रूरत नहीं है। तो पानी से ये भी होगा कि नमक बैलेंस हो जाएगा, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सूप है तो उसका जो फ्लेवर है वो भी बैलेंस हो जाएगा नमक से। तो जहाँ पे नमक आपके टेस्ट के हिसाब से ठीक हो वहाँ तक पानी मिलाएं और इसको गर्म रखें, और जब सर्विंग करें तो इसके साथ लीमू सर्व करें। इसके अंदर थोड़ा सा लीमू डाल के कमाल है। ये गोल्डन सूप भी तैयार हो गया। कोटिंग के लिए मैंने यहाँ पे 4 अदद अंडे लिए हैं। पहले इन अंडों को फेंट लें अच्छी तरह। चांपों के अंदर हमारा फ्लेवर तकरीबन पूरा है, लेकिन जो कोटिंग जाएगी वो फीकी महसूस ना हो इसलिए इसके अंदर हम सीजनिंग करेंगे थोड़ी सी। 1/2 टेबलस्पून नमक है, इसी तरह काली मिर्च है। इसको अच्छी तरह फेंट के इस अंडे में मिक्स कर लें। ये अंडा मिक्स कर लें तो दूसरी चीज़ हमारे पास इधर ब्रेड क्रम्स हैं, ये आपने लेने हैं, किसी बड़े बर्तन में रख लें ताकि ये बाहर ना गिरें। चांप लेते जाएँ, इसको इस अंडे में डिप करें, अंडा अच्छी तरह उतार के इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर दें। इसको अच्छी तरह से आपने ब्रेड क्रम्स के अंदर कोट कर लेना, ये देखिए इस तरह इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लग जाएंगे, और इनको इधर अलग से रखते जाएं। चांपों की कोटिंग मैंने कर ली हुई है, अब इस पॉइंट पे इनको फ्रीज़ किया जा सकता है। ये देखें ये एक दूसरे के साथ चिपकेंगे नहीं, ये ब्रेड क्रम्स ऊपर से उतरेंगे नहीं। आप इनको बैग्स में डालें और इनको फ्रीज़ कर लें, या अगर आप इनको थोड़ा सा फ्राई करके फ्रीज़ करना चाहते हैं तो वो भी किया जा सकता है, और फिर जब आप इनको पकाएं तो इनको एयर फ्रायर भी किया जा सकता है और साथ साथ डीप फ्राई भी किया जा सकता है। अगर एयर फ्राई करना हो हल्का सा ऊपर ऑयल स्प्रे करें, एयर फ्रायर के अंदर रखते हैं, 10 मिनट दोनों साइडों से पकाएं, 10 मिनट से कम भी आप पका सकते हैं, बेहतरीन चांपें तैयार हो जाएंगी। डीप फ्राई करेंगे हम तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ऑयल गरम किया हुआ है जिसके अंदर हम इनको फ्राई करने वाले हैं। यहाँ पे एक कढ़ाई के अंदर मैंने घी डाला हुआ है और इसको 120 से लेके 125 डिग्री सेल्सियस तक गरम कर लिया हुआ है। ये चांपे फ्राई करने के लिए बिल्कुल तैयार है, क्योंकि ये जो गोश्त है ये बिल्कुल पका हुआ है, सिर्फ बाहर वाली कोटिंग को हमने फ्राई करना है। तो उसके साथ साथ ये होगा कि जब अंडे के ऊपर कोटिंग आती है ना तो मीट का पानी नहीं निकलता, वो बेशक आप चिकन पका रहे हो, बेशक आप पका रहे हो मटन, तो वो अंदर ही अंदर और ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी भी हो जाएगा। अब ये देखें ये चांपें जो हमने जिसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाए हुए हैं, इनको थोड़ा झाड़ लें ताकि ऑयल आपका ख़राब ना हो, और इधर ऑयल में डालते जाएं। जब तक इनके ऊपर गोल्डन प्यारा सा कलर आ जाए, 4-5-6 मिनट लगेंगे, उतनी देर तक इनको पका लें। अच्छा, ये बाकी की जो चांपे हैं मैं इनको फ्रीज़ कर रहा हूँ। फ्रीज़ करने के लिए ये देखें एक लेयर लगाई है मैंने ऊपर, ये बटर पेपर की दूसरी लेयर है, इसके ऊपर भी और चांपे रखेंगे ताकि ये एक दूसरे के साथ चिपके ना। जब फ्रीज़ हो जाएं फिर आप इनको उठा के जिस तरह मर्जी बैग्स में डाल लें। अब इनको इस तरह मैं फ्रीज़र में रखूँगा ताकि ये जम जाएँ, उसके बाद इनको बैग्स में डाल के रख देंगे और स्टोर कर लेंगे। अब ये चॉप्स देखें जी, बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं, ऊपर से नहायत क्रिस्पी, ये देखें, और ये शक्ल देखें इसकी। और उतनी ही सॉफ्ट है। तो इसको अब टेस्ट भी करके देखते हैं। ऊपर से बहुत क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल गला हुआ नरम गोश्त। तो चांपों की ये रेसिपी बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आगे ईद आएगी, ईद पे गोश्त अवेलेबल होता है तो लाजमी एक दफ़ा ट्राई करें। जो बच्चे गोश्त नहीं भी खाते हैं ना, वो भी इस बहाने से ये क्रिस्पी चांपे देख के इसको ज़रूर खाएंगे। और टेस्ट भी बहुत सिंपल, सिर्फ इसके अंदर नमक का और थोड़ा सा ऊपर कोटिंग के अंदर काली मिर्च का जायका, बहुत कमाल का टेस्ट आ रहा है। तो आप भी बना के ज़रूर ट्राई कीजिए। आपसे ज़रूर मिलेंगे किसी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।